तो जनवरी 2021 से कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हुई तय। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि पहली जनवरी 2021 से महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी होना तय हो चुका है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों का डीए 24% से बढ़कर यानी कि 24% से बढ़कर 28% हो जाएगा। इससे पहले जुलाई 2020 में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। और विशेषज्ञों के अनुसार इससे पहले जुलाई 2020 से 3% और जनवरी 2020 से 4% महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को दे है। जनवरी 2021 से 4% और दे होने पर कुल डीए 11% अतिरिक्त डीए मिलना यहां पर तय हो चुका है। वर्तमान में सरकार के द्वारा डीए फ्रीज होने के कारण जुलाई 2021 से दे महंगाई भत्ते में कुल 11% डीए जोड़कर भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स को किया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी बेसिक पे और पेंशन का 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो कि जनवरी 2021 से 28% हो जाएगा, यानी कि 11% की बढ़ोतरी सीधी सीधी यहां पर हो चुकी है कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में। क्योंकि नवंबर 2020 का सीपीआई इंडेक्स जो यहां पर श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, उस सीपीआई इंडेक्स के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2021 से मिलने वाला महंगाई भत्ता हो चुका है 28%, यानी कि सीधी सीधी 4% की बढ़ोतरी यहां पर हो चुकी है। जब भी यहां पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा यानी कि जुलाई 2021 से, तो यहां पर जनवरी से लेकर जून तक का जो महंगाई भत्ता बनेगा वो भी यहां पर जोड़कर दिया जाएगा। तो ये अब यहां पर पक्का हो चुका है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का जनवरी 2021 से मिलने वाला महंगाई भत्ता हो चुका है यहां पर 28%, यानी कि मौजूदा महंगाई भत्ता और जो महंगाई भत्ता दे है उसमें 11% की सीधी सीधी बढ़ोतरी यहां पर हो चुकी है। लेकिन फिलहाल कोविड-19 की वजह से सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते को फ्रीज किया हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि जब जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता दिया जाएगा तो पिछले सारे महंगाई भत्ते जो हैं उनको जोड़कर ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, लेकिन एरियर नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कि जनवरी 2021 से उनके महंगाई भत्ते में 4% की सीधी सीधी बढ़ोतरी यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन इसका भुगतान जुलाई 2021 से ही किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।